प्रखंड का पूरा प्रखंड का सबसे गुनहगार रोड सबसे गुनहगार मोहल्ला यही था क्या इसको सबके बदले में इसी रोड को सजा यकीन मानिए सर यकीन मानिए आज तक ऐसा विकास मैंने नहीं, नहीं देखा, देखा है यकीन मानिए सब तो पीसीसी यही रोड से चला गया पूरा दृश्य देखने ही हो गए इधर देखाइए हंसी भी आती है हंसी भी आती <laughs> है पंचायत का भविष्य देखिए कैसा होने जा हमारे जिला का सौभाग्य है जो इनायत जैसा महिला होने के बावजूद भी जितना उसका आंख खुली हुई है आज तक ऐसा डीएम नहीं आया था शायद हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा। जी आप एक बार पंचायत के धरती पर जरूर चरण रखें और निरीक्षण किए करें दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं खास खबरें बिहार इस वक्त जिला अररिया के मैं में मौजूद हूं और यहाँ पर नए तरीके से जो है दोस्तों विकास किया गया है यह है ग्रामीण सड़क है और जो है ये ढलाई हुआ है ढलाई हुआ है वार्ड सदस्य नेतृत्व में हुआ है ये ढलाई और ये वार्ड सदस्य का घर सामने है उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता क्या नाम है चाची बीरेन वार्ड सदस्य बीरेन है और उन्होंने इस सड़क को आज से जो है पाँच छः साल पहले निर्माण किया था अब यह सड़क देखिए हालांकि इसमें सबसे बड़ी गलती ये हुई कि अप्रोच जो होता है वो नहीं दिया गया जिसके कारण ये जो है जमी दोष हो गया और ये तालाब के तरफ अपने आप को जो है अपना रुख को फेर दिया देखिए किस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें इतना भ्रष्टाचार किया गया इसमें इतना भ्रष्टाचार किया गया इसको जो है उल्टे मुंह जो है ज़मीन पे जो है पोखर पर गिरा दिया गया यहाँ पर आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ़ होती है यहाँ पर एक चाचा जी हैं चाचा जी सबसे पहले आपको मेरा दीर्घायु हुआ आ, क्या ना, नाम है आपका मेरा नाम वरुण मिश्रा है जी मैं ऐसा पर... ऐसा विकास शायद आपने पहली बार देखा होगा हम भी पहली बार देखते हैं देखिए ये तो आज के जमाना में हो गया घुसखोरी का जमाना हाँ हाँ। जिस टाइम में ये रोड बन रहा था हाँ। दोनों तरफ जमीन मेरा है आप ही का है ये पोखरा मेरा है और ये बसोवास मेरा जी हाँ जिस टाइम में ये रोड बन रहा था उस टाइम हम बोले थे जो भाई इसमें जो आप बालू दे करके इसको जो पोत रहे हैं ये मत कीजिए पहले इसमें दीवाल दीजिए रोड बचाने के लिए पहले आप दीवाल दीजिए अच्छा दीवाल देने के बाद में फिर आप रोड बनाइएगा वो रोड का लाइफ लंबा होगा आज इस रोड के चलते कहीं ना हाँ, कहीं आपने चाचा पहले भविष्यवाणी कर दिया था हाँ हा, हा, किए लेकिन मेरा बात को सुनने वाला कोई नहीं था उस टाइम में प्रवीण मिसर मुखिया जी थे और बीरेन वार्ड सदस्य कल भी थे और आज भी हैं और दुष्परिणाम यही हुआ जो यहाँ पर सब पैसा लूटने का काम किया सही काम करने का काम नहीं किया अगर सही काम होता तो आज रोड का ये हालत नहीं होता दोस्तों हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है मुख्यमंत्री जी ए, क्या हो चुका है आपको कब होगा कार्रवाई ऐसे ऐसे वार्ड सदस्य और ऐसे मुखिया पर जिसके नेतृत्व में ए, ऐसा विकास होता है अब क्या करेंगे मान लीजिए ये रोड खत्म हो गया अभी यातायात का साधन समाप्त हो गया अभी हम दरवाजे होकर के आदमी को जाने के लिए बोलते हैं गाड़ी मोटरसाइकिल मवेशी सब मेरे दरवाजे होकर के जाता है हम मना नहीं करते चूंकि हम भी इस समाज में रहते हैं लेकिन भ्रष्टाचार तो है ही आज से नहीं सदियों से है कितना किया गया भ्रष्टाचार छ साल भी नहीं गया नहीं छह सात साल तो हुआ ही इस रोड रो, हुआ है हाँ रोड को छः सात साल हुआ है एक पंचवर्षीय प्लस हो चुका है नवीकरण इसमें हो सकता है लेकिन यहाँ पर कोई करने वाला नहीं है। करने वाला इंक्वायरी करके जाता है देख के जाता है और बोलता है हाँ ये रोड तो हो जाएगा रोड बचाने के लिए हम दीवार दे देंगे यहाँ पर नहाने के लिए हम सीढ़ी डलवा देंगे कल होकर के यहाँ पर मान लीजिए छठ का त्योहार होता है घाट नहीं रहने के कारण आदमी नदी जाता है छठ त्यौहार करने के लिए अगर इसमें घाट होता तो छठ करने के लिए आदमी को नदी नहीं जाना पड़ता था तो क्या कहिएगा इस रोड का यही हाल है हमारे पंचायत के नेता का यही हाल है अब यहाँ पर गलती किसकी है पंचायत सचिव की है या पीआरएस का है जिसके जो है आगवाही में यह काम जो है होता है किसकी गलती है गलती तो पीआरएस का है पंचायत सचिव का है मुखिया का है और वार्ड सदस्य है जितना सरकार ने बहाली किया है पदाधिकारी को उससे ज्यादा चोरी हो रहा है मान लीजिए एक मुखिया था तो उसके पीछे में चौदह वार्ड सदस्य को तैयार किया गया जो काम अच्छा पंचायत में होगा लेकिन उसके बदले में क्या हो रहा है वो खुद आप लोग भी देख रहे हैं और हम तो यहाँ का वासी है देखिए रहे भैया जी आपको तकलीफ ना हो रही है भाभी को लेकर के जो जा रहे हैं गिर जाइएगा बच्चा सब है ऐसे रोड में तकलीफ तो हो रहा है हाँ। कैसा वार्ड सदस्य चुनते हैं आप लोग भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा चढ़ा के जो है रोड को जो है जमी दोस्त कर दिया जाता है देखिए दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं आजादी के पचहत्तर वर्ष बाद भी ये आज हम लोग गुलाम है गुलामी को जो है महसूस करते हैं ये चाची चाची सब है और ये ये चाची सब है इन लोगों से भी बात करते हैं चाची जी बड़ा मजा आता है रोड में चलने का बहुत दिक्कत है दिक्कत है गिरते नहीं हड़बड़ा हड़बड़ा के ना गिर जाते, है। जाते है ना हैं गिर जाते हैं आ, माल जाल सब कुछ जाना सब का दिक्कत है दिक्कत है सब चीज की वार्ड सदस्य जी भ्रष्टाचार करके पंचायत सचिव पीआरएस आर एस हुआ भ्रष्टाचार करके पीसी खाका करके रोड को जो है कि की रोड को गिरा दिया बनाया नहीं अच्छा से हा? ना अच्छा नहीं बनाया सब जन ईटा बालू सब खत्म कर दिया जन जन बालू सब दया दया के रोड खाली सीमेंट दिल्क रोड बनल है अंग्रेजों के द्वारा निर्माण किया गया पुल मित्रों दो सौ साल तीन सौ साल चलता है अब मुझे हंसी आती है और निश्ब्त हूँ कि जो है अंग्रेजों के द्वारा पुलवा का जो निर्माण किया जाता है वो दो सौ साल तीन सौ साल जाता है लेकिन ये जो है पंचायत सचिव और पीआरएस के द्वारा और वार्ड सदस्य और मुखिया जी के द्वारा निर्माण किया हुआ पुल छः साल भी नहीं जाता है ये छः साल सातवां साल है और ये देखिए नीचे से लग रहा है कि मतलब किसी चीज का जो है बसेरा है घर बना दिया गया घर बना दिया है कोई लोग जो है नीचे अब जब मालूम नहीं है जी सर में टाइम में अगर आदमी निकलता है तो इसके नीचे से सांप निकलता है सांप निकलता है जिसको कोबरा कहा जाता है बाप बापरे बड़ा खतरनाक है कोबरा कई एक ठो कोबरा निकलता है ये कोई बनावटी बात नहीं है रियल बात यही है इसके अंदर में कई एक कोबरा सांप है जो की संध्या होने के बाद में बगैर लाइट का आदमी नहीं चल सकता है अच्छा और क्या बोलिएगा मोदी जी तो जैसा तो सरकार नहीं और प्रखंड में ऐसे पदाधिकारी को बहाली किया गया है आप कहिएगा सी, -सी कैमरा लगा हुआ है सी, सी फुटेज है लेकिन फुटेज के तले चोरी होता है अच्छा अब डीएम साहेबा जो है श्रीमती इनायत खान जी बड़ा ईमानदार डीएम है बड़ा ईमानदार तो आई एस तो अधिकारी वो तो है क्या आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए डीएम हमारे ऐसे हैं अररिया जिला में पहला डीएम है जो कि सच्चाई को खोजने वाली है एक महिला बहुत, बहुत है। अच्छा डीएम है एक अच्छा डीएम है हमारे लिए हमारे जिला का सौभाग्य है जो इनायत जैसा महिला होने के बावजूद भी जितना उसका आंख खुली हुई है आज तक ऐसा डीएम नहीं आया था न शायद नहीं आएगा अब डीएम साहिबा को क्या कहेंगे मेरे चैनल के जरिए कि जांच किया जाए डीएम साहब मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा जी डीएम साहिबा आप एक बार कवाको पंचायत के धरती पर जरूर चरण रखें और निरीक्षण किए करें ताकि ऐसे भ्रष्ट लोगों की जो है भ्रष्ट सिस्टम को जो है हमेशा के लिए लॉक कर दें डीएम साहब आइए इधर आइए और दिखाते हैं और यहाँ पर जो है चाची सब है ये भैया जी है आप जो साइकिल लेकर जाते हैं नीचे से जमीन खोखला है पुलवा के नीचे ज़मीन है मिट्टी नहीं है गिरीगा तो कौन बचाएगा आपको रोड बनाना पड़ेगा हाँ, अच्छा दोस्तों यह बिहार है यहां जो है यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे जो है विकास के लिए ही बिहार को जाना जाता है देखिए एक प्रकार से यह कुर्सी भी बन गया एक प्रकार से दोस्तों कुर्सी भी बन गया अब मेरे नीचे जो है ये देखिए आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि मित्रों यहाँ किस प्रकार से विकास होता है किस प्रकार से जो है जनता को लूटा जाता है और जनता जो पैसे सरकार को टैक्स के जरिए देती है उस टैक्स के पैसे को कितना गलत फ़ायदा उठाता है टैक्स के पैसे का आप खुद ही देख सकते हैं ये देखिए ये पुल है ये, ये, ये ग्रामीण सड़क नहीं है जो, ये जो है पी सड़क नहीं है दोस्तों ये जो है ये पुलवा है नीचे से नदी बह रही है और ये पुल है इस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहा है कहीं ना कहीं जांच की आवश्यकता है और जितने भी अधिकारी गण इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे विनती है कि जो है इसकी जांच कीजिए और ऐसे वार्ड सदस्य को ऐसे पी ऐसे पंचायत सचिव की जो है वाट लगा दीजिए हाँ कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधार दीजिए कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधार दीजिए ऐसे जनता के पैसे को जो है लूटने का प्रयास न किया जाए बस मैं यही कहूँगा सबसे पहले समिति साहब आपका बहुत बहुत स्वागत क्योंकि आप एक जो है कि सम्मानजनक पद पर हैं पंचायत समिति है आपको चुना गया है जनते के द्वारा चुना गया है जिस टाइम बन रहा था पंचायत समिति जी आप उस वक्त पंचायत समिति के पद पर नहीं थे क्या नहीं थे पहले वहाँ तक था बाढ़ कारण ये टूट गया है लेकिन गया। अगर इसमें अप्रोच दिया जाता किसी प्रकार से जो है इसको पहले जो है कि एक अप्रोच दिया एप्रोज जाता था था मिट्टी का था। वो था। चलेगा क्या तालाब बगल में इतना आ, बड़ा है मिट्टी का अप्रोच चलेगा सर ये बताइए दो हजार सत्रह में बाढ़ आया था ना बहुत बड़ा बाढ़ तो इस होकर के गया था इसलिए टूट गया नहीं तो उसे टूटने का कोई संभावना नहीं था नहीं था नहीं था लेकिन बहुत जगह आया था सर बहुत जगह आया था बाढ़ पूरे पूरे जो है बिहार में आया था ऐसा नहीं कि यहीं पर आया था खाली कौवा खो में और भी जगह और जगह सुधार हुआ लेकिन इस प्रकार से मैं कहीं नहीं देखा हूं। नहीं देखा आपने भी आज से पहले नहीं देखा होगा नहीं हा? नहीं आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है हुआ है, बहुत हुआ है हुआ है बहुत, बहुत बहुत इस टोला मोहल्ला में हाँ। लगभग पच्चीस गो इंदिरा मिला है जिसका कारण अभी तक कोई बना नहीं पाया है ना गिट्टी बालू ईटा रास्ता नहीं है किसी और से जाने वाला ट्रैक्टर का रास्ता नहीं है अच्छा इसीलिए कोई इंदिरा बहुत दुख है बहुत दुख है एक आदमी जाता है तो उधर गाड़ी मोटर बैग को खड़ा करना पड़ता है इधर भी बैग खड़ा करना पड़ता है चिंता का विषय है दोस्तों कब तक ऐसे होते रहेगा आ, कब तक जो है लेकिन एक बात है सर ये खाली वार्ड सदस्य की गलती नहीं है ये सिस्टम की भी गलती आ, है सिस्टम के किसी अगर के आप वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य साहब गलती कर दिए सुनने वाली बात है और दिमाग लगाने वाली बात है अगर वार्ड साहब गलत करते थे तो उस टाइम में मुखिया जी थे ना पी आर एस थे ना रोजगार सेवक था ना बी डी ओ ना थे साहब थे ना ये सब चोर है कि खानी वार्डे सदस्य चोर है ये सब चोर है जेई चोर है स्कूटी चोर है प्रखंड का जितने पदाधिकारी है रोड संबंधी जिसका पास पावर है सब चोर है ऊपर जेई और नीचे वार्ड पंच कहीं ना कहीं पीसी सबके पास, सब पास जाता है पीसी सबके पास जाता है बोलता है कि काम करेंगे कैसे करेंगे साठ प्रतिशत तो पीसी सी लग जाता है चालीस प्रतिशत में काम होगा चालीस में वो भी बचाएगा ना बीवी बचा फिर उसके पास भी, 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 भी मत माना दस परसेंट का कम होता है तो जिला परिषद क्या करेगा तीस परसेंट काम तीस परसेंट होता है प्रतिशत काम होता है डीएम एम साहब सौ में से सौ में से सत्तर पेट में जाता है और तीस जो है इसमें लगता है जब सौ में से तीस परसेंट लग करके इसमें रोड बनेगा साहब जी आप ही बता दीजिए उसका हाल क्या, क्या, होगा हाल, से बेहाल होगा कि नहीं अब एक... है भी हाल से बेहाल है भी दिखाइए थोड़ा कैमरा पर्सन उधर दिखाइए उधर थोड़ा सा झुक करके इधर बैठ करके दिखाइए थोड़ा दिखाने का प्रयास करें यह है विकास ये अररिया जिला का कौवा पंचायत है दोस्तों वार्ड नंबर ग्यारह वार्ड नंबर ग्यारह का ये अद्भुत तरीके से विकास किया गया विकास हाँ? किया गया दृश्य देखने योग्य है <laughs> इधर देखा <ये। laughs> हंसी भी आती है, भी आती है है हंसी तो भी सिस्टम कोवाको पंचायत का भविष्य देखिए कैसा होने जा रहा है इधर जा रहा है भविष्य अब कहिए एक मोटरसाइकिल अगर आ रही है तो दूसरा पैदल वाला नहीं जा सकता है अगर जाएगा तो पोखरा में गिरेगा यकीन मानिए सर यकीन मानिए आज तक ऐसा विकास मैंने नहीं देखा है यकीन मानिए सब पीसी सी यही रोड से चला गया पूरा पंचायत का क्या समिति साहब पूरा प्रखंड का पूरा प्रखंड का सबसे गुनहगार रोड सबसे गुनहगार मोहल्ला यही था क्या इसको सबके बदले में इसी रोड को सजा दे दिया गया हाँ, सजा आइए हाँ। आगे, आगे देखिए थोड़ा आते हैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा जय हिंद